गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे कोर्स का जो अगला जंतु है दैट इज स्कोलोपेंड्रा उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चों, आप इस जंतु से चिर परिचित होंगे, आप इसे जानते होंगे, जिसे हम कॉमनली हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में कंद खजूरा कहते हैं या इसको कंसला भी कहते हैं। आप लोगों ने अपने घरों के अंदर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ढेर के नीचे इसको देखा होगा, गमलों के नीचे ये प्राय हमें जो मिल जाता है। तो ये जो जंतु है इसको हम सेंटीपीड भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके। सबसे पहले हम इस जंतु का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्कोलोपेंड्रा या जिसे सेंटीपीड भी कहते हैं वो कौन से फाइलम का मेंबर है? सबसे पहले हम किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया का सदस्य है। इसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। जैसे आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा जो फाइलम, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? बॉडी के ऊपर जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं जंतु के, और काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, कंपाउंड आईज पाई जाती है, बॉडी कैविटी जो है वो हीमोसील या हीमोसिलोमिक कैविटी इसके अंदर पाई जाती है, और जंतु में एंटीनी पाए जाते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इस प्रकार के जंतुओं के अंदर पाया जाता है, ओके। सब फाइलम इसका क्या है? सब फाइलम इसका मीडियापोडा है, ठीक है। अब मीडियापोडा में हम इस प्रकार के आर्थ्रोपोड्स को रखते हैं जिनकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक रीजन के अंदर विभेदित होती है, ओके। और हेड रीजन के अंदर मीडियापोड्स जो जंतु होते हैं उनके हेड पोर्शन के अंदर सिंपल आईज पाई जाती है जो साइकल कहलाती है, और इनके अलावा इनके अंदर वन पेयर ऑफ एंटीनी पाया जाता है, वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, और एक या दो जोड़ी इनके अंदर मैक्सिली उपस्थित होती है, ओके। मीडियापोड्स जंतु होते हैं उनके बॉडी के जो सेगमेंट्स है उनमें उन पर एक या दो जोड़ी चलन डाके पाई जाती है। अब हम बात करें स्कोलोपेंड्रा की क्लास की, ये कौन सी क्लास का मेंबर है? ये कीलोपोडा या इसको कीलोपोडा भी कहते हैं उसका सदस्य है। इसका क्या पेक्यूलर कैरेक्टर है? इस प्रकार के जंतुओं का जो बॉडी है, बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं उन पर एक जोड़ी, प्रत्येक बॉडी सेगमेंट्स पर एक जोड़ी चलन टांगे या वॉकिंग लेग्स पाई जाती है, ओके। देखिए स्कोलोपेंड्रा या सेंटीपीड की लगभग 20 फैमिलीज और लगभग जो कि 3000 स्पीशीज हैं वो अब तक पूरे विश्व भर के अंदर डिस्कवर हो चुकी हैं, ओके। अब ये जंतु इस प्रकार का जंतु है, यदि हम इसके सलाइड फीचर्स देखें एनिमल के, तो सेंटीपीड जो है वो फास्ट मूविंग, फुर्तीला, फास्ट मूविंग एनिमल है, वेनोमस विषैला एनिमल होता है ये, और किस प्रकार का होता है ये? कार्निवोरस एनिमल है, नॉक्टर्नल, प्रीडेटरी, टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स है जिनकी बॉडी जो है इलोंगेटेड बॉडी पाई जाती है, एंड मैनी जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, ओके। यदि हम इसका हैबिटेट की बात करें बच्चों, तो सेंटीपीड्स जो है वो बेसिकली जो गर्म जगह होती है वहां पर पाए जाते हैं, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, लेकिन ये कभी जो है वाइडली टेम्परेट जोन्स के अंदर भी हमें मिल जाते हैं, ओके। कहाँ पाए जाते हैं ये अधिकतर? ये जो डार्क और डम्प एरियाज होते हैं, जो सीलन वाली जगह होती है, या जो पेड़ पौधों की पत्तियों के ढेर होते हैं वहां पे, कंकड़ पत्थरों के नीचे या वृक्षों की छालों के नीचे, ऐसी जो डार्क और डम्प एरियाज होते हैं वहां पर ये जंतु पाया जाता है, ओके। और बेसिक जो इसका रिक्वायरमेंट है इसको 100% मॉइस्चर वाली जगह इसको चाहिए होती है, ऐसी जगहों पे हमें सेंटीपीड मिलता है। चले आगे, अब हम बात करें इसको सेंटीपीड हमने क्यों नाम दिया है। देखिए बच्चों, वैसे तो सेंटीपीड जो है उसका मतलब क्या होता है? 100 legs, ओके। सेंटीपीड का क्या अर्थ है? 100 legs। लेकिन यदि हम सेंटीपीड की जो वेरियस स्पीशीज है उसकी बात करें तो इनमें जरूरी
लेग्स ही मिले। अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज इनके अंदर लगभग 30 से लेकर 354 स्पीशीज के अकॉर्डिंग लेग्स पाए जा सकते हैं। ओके, अब बॉडी यदि स्ट्रक्चर यदि हम देखें बॉडी का, तो बॉडी किस प्रकार की होती है? इलॉन्गेटेड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड इनकी बॉडी पाई जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली 21 से लेकर 23 सेगमेंट्स की बनी हुई होती है। ओके, कलरेशन की यदि हम बात करें तो कलरेशन जो है इनका पेल येलो या जो है वो ग्रीनिश कलर का हो सकता है, इनका डीप ब्राउन कलर के जो है सेंटीपीड्स भी हमें मिलते हैं। देखिए अभी मैंने बात करा था कि ये अधिकतर मॉइस्चर वाली जगहों पे ये रहना पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं मॉइस्चर वाली जगहों पे ये? क्यों? क्योंकि इनकी जो इंटेग्रमेंट है, जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन जंतुओं को डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। ओके, इसलिए अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए ये अधिकतर इस जगह पे मिलते हैं, हमें जो हमारा मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहां पर ये पाए जाते हैं। ओके, बॉडी हमने देखा किस प्रकार की है, इलोंगेटेड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी पाई जाती है, और बॉडी जो है वो दो सेगमेंट्स की बनी हुई होती है इनके अंदर। बॉडी कौन कौन से सेगमेंट्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर देखे तो हेड सेगमेंट और ट्रंक सेगमेंट की बनी हुई रहती है। ओके, अब हेड सेगमेंट में कौन कौन से एपेंडिसेस पाए जाते हैं? हेड सेगमेंट्स के अंदर वन पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है, जो लाइक मैंडिबल्स पाए जाती है, जो क्या कहलाते हैं, जो फॉर्सिकुलीज कहलाते हैं, और इनके अंदर टू पेयर ऑफ मैक्सिली पाई जाती है। ओके, ये तो बात थी हेड रीजन की। अब हम बात करें ट्रंक सेगमेंट की, तो ट्रंक सेगमेंट्स के अंदर लास्ट के दो सेगमेंट्स और जो हमारा हेड के जस्ट पीछे वाला जो वन सेगमेंट है उनको छोड़कर ट्रंक रीजन के प्रत्येक सेगमेंट पर लेटरल साइड के अंदर क्या पाए जाते हैं? वन पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, जिनको हम चलन टांगे कहते हैं, वॉकिंग लेग्स कहते हैं। यदि हम वॉकिंग लेग्स के स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक जो वॉकिंग लेग है वो 7 खंडों का बनी हुई संरचना होती है, जिसके अंदर हमारा कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और 3 टार्सल से बना हुआ वॉकिंग लेग्स इनके अंदर पाया जाता है। ओके, अब जो हमारा जंतु है उसका जो एंटीरियर ट्रंक सेगमेंट है, जो फर्स्ट एंटीरियर ट्रंक सेगमेंट है बच्चों, वहां पे क्या सिचुएटेड रहता है? इस ट्रंक सेगमेंट के अंदर वन पेयर ऑफ वेनमस क्लॉज पाए जाते हैं, जो मैक्सिलिपीड्स कहलाते हैं, या इनको हम पॉइजन क्लॉज भी कहते हैं। ओके, पॉइजन क्लॉज ये कहलाते हैं। ये मैक्सिलिपीड्स जो कि वेनमस क्लॉज होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, किस उपयोग में आते हैं? ये जो है वो एक तो जंतु की सुरक्षा के लिए होते हैं, इनके द्वारा एक विषैला पदार्थ सिक्रेट किया जाता है, और ये एट द टाइम ऑफ डिफेंस जो है वो जंतु की सुरक्षा करता है। दूसरा, अपने जो है प्रे को कैप्चर करने के लिए और उसको पैरालाइज करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ओके, कर्ण खजूरे जो होते हैं इनका जो वेनम है, जो इनका ये जो जहरीला पदार्थ है, यदि मनुष्य इससे संक्रमित हो जाए तो उसको तेज बुखार आने लग जाता है या उसको चक्कर आने लग जाते हैं। ओके, चले आगे। अब हम बात करें इसके रेस्पिरेशन की, तो देखिए रेस्पिरेशन के पहले हम ये पढ़ रहे, हमने पढ़ा कि ये जो है वो शिकार को कैप्चर करने के लिए अपना विषैला पदार्थ निकालते हैं, या उसको पैरालाइज करने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए। शुरुआत में बताया मैंने किस प्रकार का जंतु है, नॉक्टर्नल जंतु है, कार्निवोरस जंतु है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम तो ये क्या होता है, कंकड़ पत्थर या जो अपने पेड़ पौधे होते हैं उनकी डेब्रिस के नीचे छुपा हुआ रहता है, और नाइट के अंदर ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए एक्टिव होता है। ओके, कार्निवोरस है मेनली, इसके कौन कौन से जो है वो प्रे होते हैं, इसके मेनली जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइडर्स, ओके,
बर्ड्स, स्नेल्स एंड अदर क्रिएचर्स जो है, छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस पे ये फीड करता है जंतु। ओके, रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? रेस्पिरेशन के अंदर रेकिया पाई जाती है और एक्सक्रीशन मेलेरिया ट्यूब्यूल्स के द्वारा संपन्न होता है। ओके, आर्थ्रोपोड जंतु, शुरुआत में बताया था आर्थ्रोपोड जंतु के अंदर क्या होता है, सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जंतु जो है वो अलग अलग होते हैं। और जेनिटल ओपनिंग कहाँ पाई जाती है इनके अंदर? जेनिटल ओपनिंग इनकी जो बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है, दैट इज द हाइंड एंड ऑफ द बॉडी, वहां पर सिचुएटेड होती है। फीमेल जंतु जो होता है, फीमेल सेंटीपेड, वो लगभग 60 एग्स पर क्लच के रूप में जो है एग लेइंग करता है, और जो कि स्टिकी सब्सटेंस ऑफ के अंदर क्या रहते हैं, कोटेड रहते हैं। ओके, यदि आप हम जंतु का डायग्राम देखें तो हियर इज द डायग्राम ऑफ सेंटीपीड। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, हमने कहा बॉडी किस प्रकार की है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड और इलोंगेटेड बॉडी पाई जाती है, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, जो कि जो जंतु के हेड, हियर इज द हेड, और यहां से लेकर ये क्या है, दैट इज द ट्रंक रीजन के अंदर विभेदित होती है। ओके, अब हेड पोर्शन के अंदर क्या क्या जो है वो अपेंडिक्स पाए जाते हैं? हेड जो पोर्शन है वहां पे हमें देखिए जॉइंट्स वाला लंबी एंटीना पाई जाती है, यहाँ पे वन पेयर ऑफ सिंपल आईज यहाँ सिचुएटेड रहती है, और वेंट्रल सरफेस की तरफ यहाँ पर वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स और टू पेयर्स ऑफ मैक्सिली पाई जाती है। ओके, हेड के नीचे लगभग 21 से लेकर 23 सेगमेंट्स का बना हुआ हमारा जो है वो रिमेनिंग ट्रंक रीजन होता है। प्रत्येक ट्रंक रीजन के अंदर हेड के जस्ट पीछे वाले सेगमेंट को छोड़ दे, वो लास्ट के दो सेगमेंट को छोड़ के प्रत्येक सेगमेंट के अंदर क्या पाया जाता है, वन पेयर ऑफ जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। ओके, इसीलिए इसको हम सेंटीपीड कहते हैं। ओके, ये जो जॉइंटेड लेग्स हैं, ये वॉकिंग लेग्स हैं, ये सेवन खंडों की बनी हुई संरचनाएं होती है, और एंटीरियर जो ट्रंक सेगमेंट है बच्चों, वहां पर पॉइजन क्रॉस के रूप के अंदर मैक्सिलिपीड स्थित होते हैं, जो कि जंतु के डिफेंसिव ऑर्गन का कार्य करते हैं। जो इनके वॉकिंग लेग्स हैं, उनके किनारों पर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं। ओके, लास्ट पेयर ऑफ लेग जो है वो जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वहां सिचुएटेड होता है, और इसी लास्ट सेगमेंट के मिड रीजन के अंदर एनस ओपनिंग होती है, और एनस के वेंट्रल सरफेस पर क्या पाया जाता है, इन दिस रीजन देयर इज ए जेनिटल एट्रियम पाया जाता है, जो गोनोपोड के द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। ओके, तो ये तो था आज का हमारा एनिमल सेंटीपीड। अब देखिए बच्चों, सेंटीपीड के बाद में हम जंतु पढ़ रहे हैं हमारा कौन सा, दैट इज द मिलीपीड। ओके, जूलस, नाम सुना होगा आपने मिलीपीड का, दिस इज अ जूलस एनिमल। अब जूलस पढ़ने से पहले हम इसी जंतु का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, कैरेक्टर्स में बता चुकी हूँ। सब फाइलम मिलियापोडा है, सेम सब फाइलम का है जिसका सेंटीपीड जंतु है, और इसकी जो क्लास है वो है डिप्लोपोडा। देखिए, सेंटीपीड की क्लास थी नीलोपोडा, जिसको जीलोपोडा भी कहते हैं, और इसकी क्लास कौन सी है बच्चों, डिप्लोपोडा। ओके, अब डिप्लोपोडा का क्या पेक्यूलर कैरेक्टर्स है, ये इस प्रकार के जंतु जो डिप्लोपोडा में रखे जाते हैं, उनका जो ट्रंक रीजन होता है वो वेरियस सेगमेंट से बना हुआ होता है, लेकिन प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, प्रत्येक सेगमेंट पे इन डिप्लोपोडा क्लास क्या पाए जाते हैं, टू पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। चीलोपोडा के अंदर वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स थे, और ईच बॉडी सेगमेंट यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। ओके, अब हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लें मिलीपीड्स के। मिलीपीड्स जो है वो किस प्रकार का जंतु, अभी मैंने बता ही दिया आपको,
a group of arthropods that are characterized by the having two pairs of jointed legs on most of the body segments. Saline features यदि हम इसके देखें तो जूलस जो है उसको हम कॉमनली क्या कह रहे हैं, मिलीपीड कहते हैं और इसी को वायर वर्म भी कहा जाता है. ठीक है, बॉडी इसकी भी बॉडी किस प्रकार की होती है, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल बॉडी पाई जाती है. दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स. और यदि हम कलर्स की बात करें तो ये येलोइश ब्राउन कलर के या रेडिश ब्राउन कलर के इनका जो है वो कलर पाया जाता है. ओके, अब बॉडी का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो देखिए जो हमारा जूलस है, मिलीपीड है, उसकी बॉडी जो है वो थ्री पार्ट्स के अंदर विभेदित होती है. कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं बच्चों, इसके अंदर हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन और एब्डोमन रीजन पाया जाता है बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, हेड कितने सेगमेंट्स का बना हुआ होता है, हेड जो है वो हमारा 5 सेगमेंटेड होता है, थॉरेक्स रीजन जो है वो 4 सेगमेंटेड होता है और एब्डोमन जो है वो 20 से लेकर 100 सेगमेंट से बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज. ओके, अब हेड रीजन के अंदर कौन कौन से अपेंडिडीज पाए जाते हैं, देखिए हेड रीजन के अंदर हमारा 1 पेयर ऑफ एंटीना पाई जाती है जो कि 7 खंडों की बनी हुई संरचना होती है. एंटीना के अलावा इसके अंदर 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स पाए जाते हैं और 1 पेयर ऑफ मैक्सिली पाई जाती है जो कि स्ट्रक्चर जिसको हम ग्रैथोमिलेबियम कहते हैं वो बनाती है. ओके, ये तो बात थी हेड सेगमेंट की. अब हम बात करें थोरेसिक सेगमेंट्स के अंदर, तो देखिए थोरेसिक जो सेगमेंट्स है उस सेगमेंट के अंदर कितने का बना हुआ है हमारा थोरेक्स, 4 सेगमेंट्स की बनी हुई संरचना होती है जिसमें प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं. ओके, और जो हमारा एब्डोमिनल सेगमेंट है जो कि 20 से लेकर 100 सेगमेंट्स तक का बना हुआ है, वहां पर प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर 2 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं. ओके, आगे चलें. अब ये तो हमने बात करी बॉडी सेगमेंट्स की. ओके, हमने कहा हेड और थोरेक्स रीजन और एब्डोमिनल रीजन से बना हुआ इसका बॉडी होती है. ठीक है, देखिए जो एब्डोमिनल रीजन है उस पर क्या पाया जाता है, एब्डोमिन जो सेगमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर डबल होते हैं जिनमें से प्रत्येक जो सेगमेंट्स है उस पर एक टर्कम, 2 छोटी स्टर्नम और उसके अंदर प्रत्येक जो बॉडी सेगमेंट्स है एब्डोमिन रीजन का उस पर 2 जोड़ी चलन टांगे और 2 जोड़ी स्पाइरिकल स्पिछिद्रुम के अंदर पाए जाते हैं. ओके, बॉडी का जो डॉर्सल सरफेस है उसके दोनों साइड्स के अंदर ऑन साइड्स ऑफ द बॉडी क्या पाई जाती है, वहां पर स्टिंग ग्लैंड्स जो होती हैं बच्चों उनकी ओपनिंग्स पाई जाती है. स्टिंग ग्लैंड्स की ओपनिंग काले छिद्रों के रूप में हमें जो टलका है बॉडी का एब्डोमिन का उसके साइड्स के अंदर जो है वो 2 काले छिद्र के रूप में स्टिंग ग्लैंड्स की ओपनिंग पाई जाती है और ये स्टिंग ग्लैंड्स जो होती है वो एक विषैला पदार्थ जो कि साइनाइड स्मेलिंग टाइप का फ्लूइड होता है उसको सिक्रेट करती है जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए काम में जंतु के द्वारा लिया जाता है. ओके, अब इसमें भी रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा होता है और एक्सक्रीशन मैल्पिगे ट्यूब्यूल्स के द्वारा संपन्न होता है. मिलीपीड्स के अंदर भी जो है मेल एंड फीमेल जंतु जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और इसके अंदर जो गोनोपोर है वो कहाँ पाया जाता है, गोनोपोर इसके अंदर जो थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके मिड वेंट्रल सरफेस पर सिचुएटेड होता है. देखिए मिलीपीड्स जो है वो किस प्रकार का जंतु है बच्चों, मिलीपीड्स जो है कार्निवोरस एनिमल नहीं है, ये जो है हर्बीवोरस एनिमल है. ये अधिकांश मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों को खाने के लिए बिल बनाता है या जो डेब्रिस होती हैं उन पर ये फीड करता है.
और कहाँ पाया जाता है ये भी अधिकांश से डार्क और जो डंपी एरियाज होते हैं वही, ये भी पत्थरों के नीचे, जो वृक्षों की छाले हैं उनके नीचे, या जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो डेब्रिस होती है उनके नीचे छिपा हुआ हमें मिलता है। और अधिकांश ये पत्थरों के नीचे जो है कुंडली नुमा संरचना बना के रोल होकर पाया जाता है, रोल्ड अप रहता है ये अधिकांश। और कॉस्मोपॉलिटन एनिमल है, मेनली कहाँ मिलता है ये भी अधिकांश से वैसे तो जो ट्रॉपिकल एरिया से वहाँ पाया जाता है, गर्म जगहों पे मिलता है। बेसिकली ये जो है हमारे इंडिया, यूरोप और यूएसए के अंदर होता है, मात्रा के अंदर मिलता है। तो ये आज यदि हम जंतु का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, मिलीपीड का स्ट्रक्चर देखें तो ये मिलीपीड का डायग्राम है। ओके, जैसे अभी मैंने समझाया था आप लोगों को, बॉडी जो है वो है थॉरेक्स और एब्डोमेन जो रीजन है उसके अंदर विभेदित होती है। ये है क्वेश्चन, क्या है, हियर इज द थॉरेक्स रीजन और ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है एब्डोमेन रीजन। ओके, हेड रीजन के अंदर यहाँ पर एंटीनी, सिंपल आइज, ऑसिलाई और यहाँ पर वन पेयर ऑफ मैंडिबल, वन पेयर ऑफ एंजिली सिचुएटेड होते हैं। ओके, थॉरेक्स रीजन, फोर सेगमेंटेड थॉरेक्स रीजन मिलता है जिसके प्रत्येक सेगमेंट्स के अंदर वन पेयर ऑफ हॉकी लेग्स पाए जाते हैं। बाकी जो रीजन एब्डोमेन का है बच्चों, एब्डोमेन के अंदर प्रत्येक लेटरल साइड्स के अंदर और ईच एब्डोमेन सेगमेंट टू पेयर ऑफ हॉकी लेग्स यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। ओके, दीज आर द वॉकिंग लेग्स। और देखिए एब्डोमेन रीजन का जो थोरैक्स पोर्शन, जो हमारा जो डॉर्सल पोर्शन है वहां पे जो है उनके आइदर साइड ऑफ द एब्डोमेन क्या पाई जाती है, यहाँ पे हमारे जो हमारी स्टिंग ग्लैंड्स है उनकी ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, जो कि एक विषैला पदार्थ सिक्रीट करती है, ये ओपनिंग यहाँ पे सिचुएटेड होती है। ओके, इनके जो बॉडी के जो लेग्स है ये भी सेगमेंटेड लेग्स पाए जाते हैं और इनका जो जेनिटल एट्रियम है, ये दोनों पोर है, वो बॉडी का जो थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके वेंट्रल सरफेस पर खुलता है। तो दिस इज द जनरलाइज्ड डायग्राम ऑफ द एनिमल मिलीपीड।